हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक। एंड गाइस, आज मैं बनाना चाह रहा हूँ एक आर्ट, वो भी किस शीट पे आज मैं बनाऊंगा। ओ ये तो मैंने बनाया था नॉर्मल, आपको उल्टा के दिखा देते हैं। सो गाइस, ये आज मैं बनाने जा रहा हूँ। अरे यार, सही हो जाओ, सही हो जाओ। आज अपन तो पटवा दिए थे, ये तो सही दो। बनाने जा रहा हूँ गाइस मैं कैनवस के शीट पे। अब मैंने पता नहीं क्या जुगाड़ लाया है, सारे अपन लोग खाए मिला थी। एक ये बनाया, अभी अभी मैंने बनाया था ये। हाँ बता, ये इंडिया का कैसा लग रहा है, सॉफ्ट पेस्टल का। अब तो ये मैंने गलत कर दिया, मेरे को लगा नहीं आपको वजी वजी बनाएंगे, लेकिन होंगे ये आ गया तो अब क्या करें। अब ये भी मैंने डर सकता एंड ओके। देखो हाथ में अभी थोड़ा लगा रहा ना, उसकी वजह से ना ये पड़ गया। अच्छा सबसे पहले उनको इरेज कर रहा तो रुको यार, कहीं पर होल्ड कर लूँ सबसे पहले, या फिर कैसे बनाऊँ ऐसे ऐसे। मेरा आर्ट फुल बन जाएगा भाई, पैर में बैलेंस करके। मैं पैर में यूज कर रहा हूँ, इधर कुर्सी पड़ी है तो मैं जाकर अब बना सकता हूँ। जो आर्ट रहेगा वो थोड़ा बेहतर बनेगा। तो साइड में आपको मटेरियल बिगिनर्स लोगों के लिए ये पेंसिल जरूर सजेस्ट करूंगा, मतलब आपको सबसे चीप मैं यूज करूंगा ये कैमल सॉफ्ट पेंसिल। कलर कहाँ है, क्योंकि एक्चुअल कलर अभी इसमें नहीं है, खाली डब्बा है। एक्चुअल कलर अब आया है, ये है अपना एक्चुअल कलर। हे व्हाट्स अप गाइस, आज हम नेचुरल मैट्स को बनाएंगे। सो आज हम मॉर्निंग सीन बनाएंगे, इंडिया के लिए कुछ मनाने जा रहे हैं। मतलब वैसे तो कोई फेस्टिवल आया भी नहीं है, बट ऐसे ही मैंने सोचा चलो कुछ इंडिया के लिए मनाते हैं। मैं रेडी हूँ मनाने के लिए। मैं कौन कौन सा शेड यूज करूँगा यहाँ पे, मेरे पास कौन से शेड्स हैं। एक मिनट यार, वॉल्यूम धीमा कर दूँ नहीं तो आपको सुनाई नहीं आएगा। पूरे वही रिमोट है इधर भाई, म्यूट कर दिया मैंने। चलो ये तो हम लोग यही यूज़ करेंगे सबसे पहले, मतलब सबसे पहले इसको निकालेंगे नहीं, और पहले हम लोग ये उल्टा भी रखा हुआ, और पहले हम लोग इसको ये कौन सा काम है। अच्छा ये उल्टा है, और इसको एंड देन नेक्स्ट दिस एंड दिस। ये सारे कलर्स गाइस मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। सो गाइस चलो आर्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो टेपिंग में क्या करूँ, और हाँ वाइट की तो ऑब्वियसली ज़रूरत ही है, इतना छोटा लेकिन वाइट नहीं ज़रूरत है बहुत। तो थोड़ा यार कलर्स में पहले से ही करें, चलो साइड्स में रख दे रहे हैं। चलो तो भाई ये है मेरे पास एक टेप, इसको आज मैं यूज़ करूँगा। ये चिपकता नहीं, अभी तो जो आर्ट इंडिया का मैंने देखा था वो चिपका ही नहीं था, ये मुझे टेढ़ा हो जाता ना वो चिपकता नहीं। ओके ओके ओ यस, अरे देखो अरे फोकस हो जा, दिख ही नहीं रहा। चलो छोड़ा पापा।
सो गाइज आप देख रहे हो मैंने डार्क ऑरेंज एंड लाइट ऑरेंज का यूज़ किया है। सो अभी इसकी बारी आती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग उंगली से हो जाएगा। यहाँ पर बहुत कुछ है और एक स्पेशल चीज़ इरेजर्स भी हैं एंड माय स्कूल पाउच। मेरा स्कूल का पाउच है तो रख दो। अब इसकी बारी ब्लेंडिंग। जैसे मैंने बोला था यार टेपी, मतलब आज तो मैं चल के चलो कल से तो मेरे को स्कूल जाना है। जैसे मुझे स्कूल जाना है तो चलो टेप खरीद लूँगा आज अपना। बहुत देखें काम नहीं करता, मतलब जिस टाइप से मैं सोचता हूँ आर्ट का ना उस टाइप से बिल्कुल टेप नहीं करता। मतलब चलो आर्ट बन जाता है, आर्ट बन जाएगा। मतलब देखना कुछ आर्टते वक्त कितनी गड़बड़ी होगी। तो भाई अभी 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट दे दो क्योंकि अभी 8 मिनट ऑलरेडी हो गए और 14 मिनट यानी कि सिर्फ अभी कुछ ही मिनट में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर पॉज कर देते हैं वीडियो। सो अभी मैं यूज़ करने जा रहा हूँ लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन ग्राउंड में, थोड़ा ब्लेंड करके दिखाएंगे। सो गाइस भाई आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने लाइट ग्रीन यूज़ किया और ये डार्क ग्रीन। आपको शायद दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, मैंने यहाँ इस लाइन पर थोड़ा डार्क ग्रीन सा अलग कर दिया है। बट चलो ब्लेंड करते हैं अभी, उसका कुछ नहीं हो सकता ना। यार पहले ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है, ऑरेंज एवरीथिंग इज ऑरेंज नाउ ऑन दिस साइड। ये देख लो साइड में थोड़े से गंदे आ गए हैं ऑरेंज की वजह से, सिर्फ ऑरेंज की वजह से, बट प्रोसेस से नहीं वजह से। देख लो ये आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो बाकी तो सब कुछ सही है। ओ भाई मैंने भी बोला था मेरे को भी कोई आर्ट का एक वीडियो डालना है, क्योंकि ऑलरेडी 3 वीडियोस डाल दिए और भाई बहुत दिन हो गए थे आर्ट बिल्कुल नहीं बनाया मैंने। मैं तो आर्ट मन कर गया ब्लॉग भी बना ले। तो सो गाइस अब मैं यूज़ करने जा रहा हूँ वाइट। पूरी जगह वाइट रहेगा लेकिन पूरी जगह नहीं, सिर्फ आठ ही जगह लाइन खींच दिया ताकि मैं थोड़ा शैडो सब कर दिया। सो यार ये टेप उतर जा रहा है। अभी उतार नहीं बात करूँगा नहीं तो इसका यूज क्या हो रहा है। अब आती है हमारी ब्लेंडिंग, तो केवल इधर ही सॉफ्ट ब्लेंडिंग चाहिए। और थोड़ा इधर उधर भी ब्लेंड कर दे रहे हैं अभी ग्रीन ब्लेंडिंग। ओ भाई ये वो जा रहा है, वाह इधर तो ओके ओ, 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 ओ। चलो अगर ये सब आप मिटार भी सकते हैं आपका अगर मन करे तो। सो गाइस भाई अब देखो अब टोटली ना अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक स्केल से लाइन खींचता हूँ। स्केल ये है स्केल अपना गाइस। तो अब लेकिन ना फ्लैग भी है सो गाइज भाई अभी मैं यहाँ लाइट ऑरेंज यहाँ पर लाइट ग्रीन और यहाँ पर वाइट यूज़ करूँगा। सो गाइज देख स्केल हटाया और इन सब का अभी आप देख ही लो कैसे भी जल्दबाजी तो है थोड़ी। ओ शिट यार लाइन से आउट हो गया, बट चलो कोई नहीं हमने ब्लेंड नहीं करना है ना, लाइन से आउट होने दो। आप चाहे इरेजर यूज कर लेना इरेज के लिए एंड नेक्स्ट तो वाइट एंड आई यूज वाइट। जैसे मैंने बोला था लाइट ग्रीन भी यूज़ करूँ, मैं लाइट ग्रीन यूज कर रहे हैं। सो लेट्स कलर इट। ओएमजी भाई देख रहे हो इंडिया का कैसा बन रहा है, ये सब नहीं हट रहा। चलो भाई अब ओ शिट भाई जल्दी से करना पड़ेगा। सो गाइस वीडियो में बस एंड होने वाली है। सो गाइस अब आपको क्या करना है इधर लाना है और इसको भी इधर लाना है और इसको भी
सबको इधर लाने के बाद गाइस जो एरियाज बच गए, मैं गलत कर रहा हूँ, गलत ये अच्छा लाइट ही है चलो सही है। अब मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, अब मैं यहाँ बनाऊँगा एरोप्लेन, एरोप्लेन वो भी इसी से, और इसकी ब्लेंडिंग देख लेना, ब्लेंडिंग भी आप देख लोगे। चलो मतलब तो वैसे भी वीडियो एंड होने ही वाली है, सो गाइस पता नहीं क्या चीज़ बनी है, बट जो भी चीज़ बनी है कहीं बड़ा इजी प्लेन बनी है। मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, इसमें भी यार लाइट आउट हो गया, आउट हो जा रहा है गाइस। अभी ओ शिट मेरा वीडियो खत्म हो गया, जल्दबाजी कर दी। सो गाइज आपको कैसा लगे यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, इस वीडियो को आपके 1K लाइक्स तो होती हैं। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।